चित्रपट्टी क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित अंडर स्टेट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट पुजिने खाकी नाथ स्मारक क्रिकेट प्रतियोगिता सफलतम नवा वर्ष आज ग्रुप बी का दूसरा यानी ग्रुप बी का सेमीफाइनल मुकाबला थोड़ी देर में इस ग्राउंड पे शुरू होगा। एक टीम आपकी रिहानी स्पोर्ट क्रिकेट एकेडमी बनारस की टीम और दूसरी जो टीम होगी उसके सामने वो आपके टीसीए तिरुपट्टी क्रिकेट एसोसिएशन कुशीनगर उत्तर प्रदेश के टीम के बीच मुकाबला होगा थोड़ी ही देर में। जैसे ही बादल छटेंगे, जैसे ही मौसम थोड़ा सा और साफ होगा, आप सभी लोग को एक बेहतरीन सेमीफाइनल मुकाबला इस ग्राउंड पे देखने को मिलेगा। जैसे आप विगत कई दिनों से देख रहे हैं कि यूपी और बिहार की टीमें टॉप क्लास की जो टीमें हैं उनके बीच मुकाबला इस ग्राउंड में खेलने को आप सभी खेल प्रेमियों को देखने को मिला है, तो वैसे ही बेहतरीन मुकाबला आप सभी खेल प्रेमियों को इस ग्राउंड पर देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे कुशीनगर तिरुपट्टी क्रिकेट एसोसिएशन के नौजवान ये खिलाड़ी प्रतिभाशाली अपने खेल का प्रदर्शन कल उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया था। आजमगढ़ को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने पराजित किया था और अपने अगले दौर में प्रवेश किया था, जिसका मुकाबला इस ग्राउंड पे आज होगा वो आपकी बनारस हरियाणा क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला जाएगा। तो अवश्य एक जबरदस्त एक बेहतरीन खूबसूरत आयोजन जो 5 जनवरी से शुरू होकर 12 जनवरी तक चलने वाली ये प्रतियोगिता अब धीरे धीरे अपने अंतिम दौर अपने अंतिम चरण की तरफ प्रवेश कर चुकी है। पहले ही आपकी छपरा की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करने के दम पे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के वजह से इस प्रतियोगिता की ग्रुप ए की तरफ से फाइनल में पहुंच चुकी है। तो आज जो टीम जीतेगी आपकी बनारस और दूसरी टीम जो है वो आपकी टीसीए तिरुपट्टी क्रिकेट एसोसिएशन में से जो टीम जीतेगी उसका इस पूजनीय खाकी नाथ स्मारक अंडर स्टेट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 के फाइनल मुकाबले में इस ठाकुर नवाब सिंह इंटरनेशनल डेट कॉलेज तिरुपट्टी महुआ श्री राजेश्वर पांडे मेमोरियल महाविद्यालय के बीच में ये बड़ा सा खूबसूरत जो ग्राउंड है उस ग्राउंड के आमने सामने होगी। तो एक सुंदर खूबसूरत सा मुकाबला आप सभी खेल प्रेमियों को इस ग्राउंड पे देखने को मिलेगा। मैं आप सभी खेल प्रेमियों को मैं आहूत करता हूँ, मैं आवाज देता हूँ इस मंच के माध्यम से, इस आयोजन समिति के माध्यम से, इस समिति के समस्त मेंबरों के माध्यम से कि आपका बहुत बड़ा बेहतरीन इस आयोजन समिति को हमेशा हर वर्ष विगत 9 वर्षों से मिल रहा है और इस 9वें वर्ष में भी अपने ने पिछले जो मैचेस हुए हैं उस मैचों में भी आपने अपनी अत्यधिक संख्या में आके हजारों की भीड़ के साथ अपने खिलाड़ियों को आज हौसला बढ़ाने का काम किया है। इस आयोजन समिति को आपने एक सफल आयोजन के लिए अपना वक्त दिया है। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि अत्यधिक संख्या में आइए और इस भव्य आयोजन का लुत्फ उठाइए। आप सभी खेल प्रेमियों ने देखा है विगत 2-3 दिनों से जब से ये आयोजन चल रही है आप सभी लोगों के लिए चाय की भी व्यवस्था है, आपकी जलपान की भी व्यवस्था है, तो आप सभी लोगों का पूरा ख्याल रखा गया है इस आयोजन समिति की तरफ से। इस प्रतियोगिता के चारों तरफ जो ये लगी हुई है बाउंड्री आपकी कंपनी जो है वो अपना एडवर्टाइज करती है, जिसमें रेड ग्रोव कशिया कुशीनगर, आपकी नौ दुर्गा एसोसिएट कशिया कुशीनगर, सेवा हॉस्पिटल, बहुत ढेर सारी कंपनियों का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगी हुई है। इन कंपनियों का भी इस आयोजन समिति की तरफ से बहुत बहुत आभार है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप सभी खेल प्रेमियों को मैं इस आयोजन समिति के माध्यम से नवा पूजनीय खाकी नाथ स्मारक राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 के इस आयोजन में आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अत्यधिक संख्या में आइए और आप लोग इस भव्य आयोजन का लुत्फ उठाइए। और अंतिम दिन जिस दिन इस तिरुपट्टी क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित ये भव्य आयोजन है उस जिस दिन फाइनल मुकाबला होगा 12 जनवरी को, उस दिन आप सभी लोगों को एंटरटेन करने के लिए हमारे इस प्रदेश देश के विभिन्न कोने से कभी आएंगे और शाम को कभी सम्मेलन का भी आयोजन इस आयोजन समिति की तरफ से रखा गया है। ये भव्य आयोजन में जो
अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। मैं निवेदन व्यापार में पट्टी एवं क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों के वजह से इतना बड़ा, इतना खूबसूरत, इतना शानदार आयोजन इस तुरपट्टी अटल मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड पे विगत सफलतम नवा वर्ष अपने चरम पे है। नवा वर्ष चलता हुआ इस भव्य आयोजन का आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला तुरपट्टी क्रिकेट एसोसिएशन तुरपट्टी कुशीनगर उत्तर प्रदेश और दूसरी टीम रिहान स्पोर्ट क्रिकेट बनारस उत्तर प्रदेश के बीच थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। छपरा की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अत्यधिक संख्या में आइए और अपने लोकल बॉय, अपने होम ग्राउंड पे हम लोग तुरपट्टी क्रिकेट एसोसिएशन के जो बच्चे हैं उनका हौसला और हिम्मत बढ़ाने का काम कीजिए और उसी के साथ साथ जो बनारस से चल के टीम जो आ रही है उन खिलाड़ियों का भी आप हौसला और बढ़ाने का काम कीजिए। तो अत्यधिक संख्या में आइए इस भव्य आयोजन का लुत्फ उठाने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो हमारे इस आयोजन समिति के जो मेंबर हैं, जो कमेटी के जो हमारे सदस्य हैं, तुरपट्टी क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आई इस नवा पूजनीय काकीनाथ स्मारक राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 जो चल रही है आयु समिति के दो सदस्य में अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ मिस्टर शैलेंद्र कुमार तिवारी जी का, मिस्टर मुकेश पटेल जी का। इन्होंने एम्पायरिंग के माध्यम से आप लोगों ने इस प्रतियोगिता में देखा है कि बेहतरीन एम्पायरिंग करते हुए नजर आए हैं ग्राउंड में। कमेटी के आप एक सदस्य भी हैं मिस्टर जितेंद्र मदेसिया जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पूरी ग्राउंड को डेकोरेट, पूरी ग्राउंड को पिच को कवर क्या कैसे करना है सारा जिम्मा मिस्टर जितेंद्र मदेसिया जी के पास है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ मैं इस आयोजन समिति के जो मेंबर है मिस्टर पवन यादव जी का, मिस्टर ब्रजनाथ गुप्ता जी का, जिन्हें हम और आप गुप्ता पुस्तक के नाम से जानते हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन मेरी तरफ से। मिस्टर राहुल वर्मा ये कमेटी के सदस्य भी हैं, मेंबर भी हैं और उनकी टीम ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट अपने सुंदर खीर के दम पे बड़े मुकाबले में सेमीफाइनल में पहुंचने का काम किया है। मिस्टर राहुल वर्मा को भी शुभकामनाएं हैं, आज उनकी टीम बिल्कुल टीसीए तुरपट्टी क्रिकेट एसोसिएशन की टीम बेहतरीन प्रदर्शन करे। मिस्टर प्रताप जायसवाल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मिस्टर संतोष मदेसिया जी बालाजी डेयरी फार्म के आप ऑपरेटर हैं, आपका भी इस तुरपट्टी क्रिकेट एसोसिएशन के आप सदस्य हैं, मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। मिस्टर जसबंधु यादव जी का, मिस्टर उपेंद्र मदेसिया जी का, मिस्टर दशरथ यादव जी का, मिस्टर अनुप मिश्रा जी का, मिस्टर विनय यादव जी का, मिस्टर दीपक कुमार जी का, मिस्टर चंद्रशेखर यादव जी का, मिस्टर सिद्धि जायसवाल जी का, मिस्टर मनोज यादव जी का, मिस्टर अवधेश शाह जी का, मिस्टर सोनू सिंह जी का, मिस्टर रमन पांडे जी का, आप सभी लोगों का मैं आभार अपनी तरफ से व्यक्त करता हूँ। और स्पेशल जो थैंक्स है व्यापार मंडल तुरपट्टी बाजार और छत्रवासीगढ़ और उससे भी स्पेशल स्पेशल थैंक्स मैं अपनी तरफ से व्यक्त करता हूँ जो भी हमारे विभिन्न ग्राम सभाओं से चल के हमारे खेल प्रेमी हमारे इस आयोजन में चार चांद लगाने के लिए जो भी हमारे विभिन्न क्षेत्रों से चल के आ रहे हैं जो खेल प्रेमी हैं, आपने इस आयोजन को भव्य बनाने का काम किया है। आप सभी लोगों का मैं आयोजन समिति के समस्त सदस्यों की तरफ से आप सभी खेल प्रेमियों का मैं आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत